हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पांचाल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ पापड़ी या सुखड़ी की रेसिपी, लेकिन ये गुड़ पापड़ी हम तिल के साथ बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें चाहिएगा 1/4 कप जितनी तिल। तो आप कोई भी फ्राइंग पैन या मोटे तले की कढ़ाई ले लें और तिल को हमें फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट बिल्कुल धीमी आँच पर सेकना है। तो अगर फ्रेंड्स आप गुड़ पापड़ी बना रहे हैं तो इसमें तिल जरूर ऐड करें, इससे ये जो गुड़ पापड़ी है वो बहुत ही क्रिस्पी, सॉफ्ट और क्रंची लगेगी और विशेषकर बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें ये रेसिपी। तो तिल को हम फ्रेंड्स अच्छे से भून लेंगे धीमी आंच पे, कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि तिल जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये कड़वी लगेगी स्वाद में। तो देखिए ऑलमोस्ट तिल हमारी भून गई है और इसे अब हम एक प्लेट में ले लेंगे। और इसी पैन में फ्रेंड्स हम डाल देंगे 1/2 कप गेहूं का आटा। तो ये नॉर्मल आटा है जिसे हम रोटी बनाते हैं। गैस ऑन कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप जितना प्योर घी। अच्छे से मिला लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे सेकना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम आटे को बहुत अच्छे से घी में सेक लेंगे और इसे फ्रेंड्स हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है और तब तक चलाते रहना है जब तक कि इस आटे का कलर चेंज नहीं हो जाता और ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। लगातार आप इसे चलाते रहें। और ये देखिए इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है, ये इसका इंडिकेशन है। जैसे ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है मतलब हमारा आटा बहुत अच्छे से भून गया है। और इसमें अब हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप गुड़। 1/2 कप हमने आटा लिया था तो 1/2 कप ही हम इसमें गुड़ ले रहे हैं और अच्छे से गुड़ को मिला लेंगे। बिल्कुल धीमी आँच रखेंगे इस समय और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाता है हम गैस बंद कर लेंगे। और इसी के साथ हम ये जो तिल है वो भी ऐड कर लेंगे इसमें, अच्छे से मिला लेंगे। तो लगातार फ्रेंड्स आप इसे 30 सेकेंड्स या 1 मिनट अच्छे से भून लें। और अभी हम फटाफट एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और प्लेट को फ्रेंड्स मैंने देखिए ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है घी से। और इस तरह से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से आप प्रेस करते जाइए और स्प्रेड कर लें इसे अच्छे से। और एक कटोरी की मदद से क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो सरफेस है वो स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। और ये जो गुड़ पापड़ी है फ्रेंड्स, इसे हमें गरम गरम ही कट करना है। तो 1 से 2 मिनट के बाद आप तुरंत इसे कट कर लें। तो मन चाहे शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। और ये जो गुड़ पापड़ी फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी डिलिशियस लगती है, आप एक बार जरूर ट्राई करें ये रेसिपी। और 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तिल पापड़ी हमने अच्छे से कट कर ली है और ये हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। और करीब 1 घंटा फ्रेंड्स हम इसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।